तो सब्जेक्ट क्या है आपका? सब्जेक्ट का नाम बताओ। कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉ। शॉर्टकट में क्या बोलूंगी? ठीक है, और अगर गलती से मैंने तो मेरी भावनाओं को समझेंगे। चलो, आपके कितने पार्ट है? दो पार्ट है, ए पार्ट और बी पार्ट। ए पार्ट कितने मार्क्स का था? बी पार्ट कितने मार्क्स का था? ठीक है, हम इसमें एक्ट और रेगुलेशन का मिक्स पढ़ेंगे। एक्ट और रेगुलेशन का क्या करेंगे? मिक्स। जैसे जैसे चैप्टर आएगा, एक्ट और रेगुलेशन का मीनिंग और ज्यादा बेटर समझते जाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बच्चों, यहां हम डिटेल में कुछ एक्ट्स पढ़ेंगे, जिसमें से सबसे पहला एक्ट का नाम क्या है? सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। दूसरा क्या है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट। ये क्या लिखा है? ईयर, इस ईयर का मतलब क्या है? 1956 में ये एक्ट आया, 1992 में ये एक्ट आया। डिपॉजिटरीज एक्ट कब आया? तो जब भी किसी भी एक्ट के पीछे कोई ईयर लिखा होता है, दैट मींस इस ईयर को ये आता है। ठीक है, पूरा का पूरा जो भी सिक्योरिटी लॉ पढ़ोगे, ये तीन एक्ट पे बेस्ड है। शॉर्टकट लिखा है मैंने सेबी एक्ट, सेकरा। इसको सेकरा बोल सकती हूँ, सेकरा, और इसे क्या बोल सकती हूँ? सेबी। और ये तो डी क्या ही बोलना है, डिपॉजिटरी बोलूंगी। ठीक है, चलिए, तो सेबी एक्ट, सेकरा एक्ट, डिपॉजिटरी एक्ट, और चौथा क्या बचा? कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट अलग से एक सब्जेक्ट होता है, इतनी डिटेलिंग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत कंपनीज एक्ट भी यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो चलिए, अब जो ये तीन एक्ट है, ये एक्ट बने क्यों है? कंपनीज एक्ट बना है ताकि कंपनी अच्छे से चले। ठीक है, सेकरा एक्ट बना है ताकि स्टॉक एक्सचेंज का जो भी काम हो रहा है वो अच्छे से हो। ये स्टॉक एक्सचेंज में क्या क्या आता है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज आता है। तो सेकरा का काम क्या है? स्टॉक एक्सचेंज में नजर रखना। कंपनीज एक्ट का काम क्या है? कंपनी में नजर रखना। डिपॉजिटरीज एक्ट का काम क्या है? एनएसडीएल और सीडीएसएल पे नजर रखना। ये एनएसडीएल और सीडीएसएल करते क्या है? इन्होंने हमारी कंपनी के सारे शेयर्स को क्या किया है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट किया है। तो सही तरीके से कन्वर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है? डिपॉजिटरी एक्ट का काम ये है देखना, और सेबी इन सब पे नजर रखता है। सेबी बोलता है, भैया मेरा मेन कंसर्न है इन्वेस्टर का पैसा वेस्ट ना हो। तो इन्वेस्टर के पैसे को बचाने के लिए वो सब पे नजर रखेगा। किस पे? ब्रोकर पे रखेगा, कंपनी पे रखेगा, स्टॉक एक्सचेंज पे रखेगा, डिपॉजिटरी। तो पूरा चैप्टर, पूरा सिक्योरिटी लॉ किस पे बेस्ड है? सेबी पे बेस्ड है। सेबी क्या करता है, सेबी क्यों करता है, सबके लॉजिक के साथ पढ़ेंगे। तो जितने भी बच्चे ये सब रेगुलेशंस है ना, ये सब जो रेगुलेशंस है ना, आपका जो ये सिलेबस है, ये जो इंडेक्स में जो चैप्टर्स दिख रहे हैं, ये सब रेगुलेशंस ही हैं जो हमारा सेबी बनाता है। तो मतलब जितने भी रेगुलेशंस हैं वो किसने बनाए? सेबी ने। सेबी ने डिसाइड किया कि कोई भी काम होगा तो कैसे होगा। क्लियर है बच्चा? तो चलो फाइनली स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर। चैप्टर का नाम क्या है? आ जाइए, चैप्टर का नाम बताइए, क्या लिखा है? बेसिक्स ऑफ कैपिटल मार्क। कौन है ये? पिटेगा। तो कैपिटल मार्केट के बेसिक समझने से पहले बच्चा कुछ टर्म्स है जो थोड़ा सा ना, आओ डिटेल में समझेंगे। ठीक है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पहले पूरा का पूरा स्क्रीन में ध्यान। हम पूरे फाइनेंस को समझ रहे बच्चा, फाइनेंशियल सिस्टम समझ रहे। अगर ये फाइनेंशियल सिस्टम की मैं बात करूं तो उसमें तीन पिलर्स होते हैं। फाइनेंस के सिस्टम को समझना है, फाइनेंशियल सिस्टम को समझना है, तो तीन पिलर्स है। ठीक, पहला पिलर क्या दिख रहा है आपको? फाइनेंशियल मार्केट। एक मार्केट होगा जिसमें आप फाइनेंशियल चीजों से डील करोगे, नाम से ही काम समझ में आ रहा है। दूसरी चीज क्या दिख रही है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होंगे जो फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, जिसमें मैं बैंक वगैरह बोल सकती हूँ। पहले तो एक मार्केट है, सब्जी मार्केट की चलो बात करते हैं। सब्जी मार्केट क्या है? एक मार्केट है जिसमें सब्जी खरीदा और बेचा जाएगा। तो सब्जी बेचने वाले और सब्जी खरीदने वाले दोनों आएंगे ना। ठीक है, और सब्जी भी तो रहेगी ना, कि सब्जी नहीं रहेगी? रहेगी वो भी। सेम हम फाइनेंशियल सिस्टम को समझ रहे हैं। फाइनेंशियल सिस्टम में सबसे पहले एक मार्केट होता है। सबसे पहले एक क्या होता है? मार्केट। इस मार्केट में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है मतलब कुछ लोग हैं जो फाइनेंस देते हैं। फाइनेंशियल प्रोडक्ट, इसे मैं कहूंगी वो सब्जी है। फाइनेंशियल प्रोडक्ट, ये वो सब्जी है जो बहुत मेन रोल पे आएगी। तो फाइनेंशियल सिस्टम में तीन पिलर्स हैं। पहला क्या है? फाइनेंशियल मार्केट। दूसरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, और तीसरा क्या है? फाइनेंशियल प्रोडक्ट। सबसे पहले फाइनेंशियल मार्केट।
फाइनेंशियल मार्केट में दो मार्केट आते हैं, पहला मार्केट क्या आता है मनी मार्केट, दूसरा क्या आता है कैपिटल मार्केट। पहले क्या आता है मनी मार्केट और दूसरा क्या आता है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट एक शॉर्ट टर्म मार्केट होता है, एक शॉर्ट टर्म मार्केट होता है। शॉर्ट टर्म मार्केट से मतलब क्या होता है बच्चा, एक साल से कम का। अब ये थोड़े बहुत बेसिक्स है जो आपने 12th तक में पढ़े होंगे, सबने पढ़े हुए हैं, है ना। इसमें तुम्हें सीएसईटी के नॉलेज की जरूरत नहीं है, फर्स्ट ग्रुप के कुछ भी नॉलेज की जरूरत नहीं, सीधा 12th का नॉलेज है बच्चा। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट एक शॉर्ट टर्म मार्केट होता है जिसमें एक साल से कम तक के ड्यूरेशन की बात हो रही है, अप टू 1 ईयर। कैपिटल मार्केट एक लॉन्ग टर्म मार्केट होता है जिसमें हम एक साल के ऊपर की बात करते हैं। चलिए और डिटेल में जाएंगे। मनी मार्केट में रिस्क क्या होता है, कम होता है, और भैया कैपिटल मार्केट में क्या होता है, हाई होता है। मनी मार्केट में लिक्विडिटी हाई होती है, व्हाट डू मीन बाय लिक्विडिटी, कैश फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो भैया बहुत जल्दी हो जाता है कैश फॉर्म, ठीक है। और ये क्या बोलता है, लेस लिक्विडिटी होती है कंपैरिजन वाइज। मनी मार्केट के जितने भी रूल्स रेगुलेशन है कौन बनाएगा, आरबीआई। क्या मैंने यहाँ पे आरबीआई अभी तक कोई भी टर्म यूज किया कल की क्लास या फिर आज की क्लास में, नहीं, क्योंकि हम कैपिटल मार्केट में बैठे हैं और यहाँ रूल्स रेगुलेशन कौन बनाता है, सेबी। सिक्योरिटी लॉ में जो कुछ भी पढ़ेंगे वो सब उसका कर्ता धर्ता कौन है, हमारा सेबी, ठीक है। तो एक छोटा मार्केट होता है और एक बड़ा मार्केट, क्योंकि आपका पूरा का पूरा सिलेबस किस पे बेस्ड है, कैपिटल मार्केट। तो मनी मार्केट का बस मीनिंग समझेंगे और पूरे सिक्योरिटी लॉ में हम मनी मार्केट नहीं समझेंगे, क्या समझेंगे, कैपिटल मार्केट। वापस हम फाइनेंशियल सिस्टम समझ रहे हैं, इस फाइनेंशियल सिस्टम में तीन पिलर्स है। पहला पिलर क्या है, फाइनेंशियल मार्केट, दूसरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, तीसरा फाइनेंशियल प्रोडक्ट। क्लियर है। मार्केट को सबसे पहले समझाइए, एक मार्केट है जिसमें फाइनेंस से हम डील करेंगे, तो दो मार्केट, एक है मनी और दूसरा क्या है कैपिटल, दोनों में आपने डिफरेंस समझ लिया। क्लियर है, चलिए डिटेल में जाएंगे। अब क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट समझ चुके हो, अब नेक्स्ट हम चीज सीखेंगे, समझेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। शॉर्ट में, सिंपल लैंग्वेज में, लेमैन की अगर मैं बात करूं, एक कॉमन इंसान को अगर समझाना हो तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट वो लोग हैं जो पैसा देते हैं, वो लोग हैं जो पैसा देते हैं। चलिए लिस्ट देखते हैं। मैं इसे कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन भी बोल सकती हूँ, अभी बुक को देखने की जरूरत नहीं है, सीधा अभी स्क्रीन में, अभी बुक में पूरी चीजें दिखाऊंगी, ठीक है। नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट, स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, ये सारे नाम हम नहीं जानते, लेकिन कुछ आपने थोड़े बहुत सुने होंगे। एंजल फंडिंग मिलती है, तो मतलब कुछ होंगे ना जिनके पास पैसा होगा, कुछ अमीर लोग जिनके पास बहुत पैसा है कंपनी को पैसा देंगे, एंजल इन्वेस्टर्स मतलब पैसा देने वाले। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, सिंपल लैंग्वेज बोलूं तो अमीर एक इंसान, इंडिविजुअल मतलब इंसान, लेकिन वो इंसान, वेरी गुड अंबानी, वो इंसान जिसका क्या है भैया, बहुत पैसा है, हाई नेटवर्थ है। वेंचर कैपिटलिस्ट सुना होगा, जो रिस्क लेते हैं और बहुत बड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हैं बिजनेसेस में, ठीक है। पेंशन फंड, पैसा ही है, पेंशन फंड क्या है, पैसा है। फॉर एग्जाम्पल पेंशन इकट्ठा होता रहता है बच्चा, फॉर एग्जाम्पल आपके पेरेंट्स अगर काम कर रहे होंगे, अगर जैसे गवर्नमेंट जॉब्स में ज्यादा पेंशन मिलती है कंपैरिजन टू प्राइवेट, प्राइवेट में थोड़ी बहुत ना के बराबर यस मिलती है, लेकिन ये पेंशन तो कब आएगी, जब आप 60 साल के हो जाएंगे उसके बाद, लेकिन अभी तक तो आपकी कंपनी, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे आपकी एक प्राइवेट कंपनी हो, दोनों आपका पेंशन का अमाउंट तो कॉन्ट्रीब्यूट करते जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आईटेक्स, आईटेक्स में मैंने बोला कि भैया रक्षिता दी है, ओमकार भैया, ये लोग क्या कर रहे हैं भैया, उनका पेंशन का एक अमाउंट हम संभाल के रखते रहते, तो क्या इनको अभी दे देंगे, कब देंगे, 60 साल के बाद देंगे, लेकिन इस पैसे का करेंगे क्या, मार्केट में लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, क्या ये बात समझ में आ रही है। प्रोविडेंट फंड आपने सुना होगा कि पीएफ कटता है, पीएफ कटता है, पीएफ हर साल हर महीने कटता रहता है, लेकिन इस पैसे का करेगी कि क्या कंपनी, मार्केट में लगाएगी। तो ये एक तरीके से क्या है, ये इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में। तो ये हम पढ़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो पैसा देते हैं मार्केट में, पैसा देने वाले। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ये पूरी लिस्ट है। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, कुछ टर्म्स अभी जानते हो पहले से, कुछ नहीं जानते हो डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस मैंने आपको लिस्ट दिखाई है कि ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, क्या ये कंसेप्ट समझ में आया। तीसरी चीज फाइनेंशियल प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट में डील करना, मैंने कहा ना ये सब्जी है वो जिसे खरीदा बेचा जाएगा, किसमें, इक्विटी तो सुना है ना, प्रेफरेंस भी सुना है, डिबेंचर सुना है, बॉन्ड सुना है, ये नहीं सुना, ये नहीं सुना, ये नहीं सुना, ठीक है, ये सब नहीं सुना, सुनाऊंगी इसी चैप्टर में, यही सब पढ़ना है अपन को। लेकिन अभी आपको इक्विटी प्रेफरेंस समझ में आया ना, तो ये वो प्रोडक्ट है, क्या मैं इसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट कह सकती हूँ। तो इन शॉर्ट फाइनेंशियल सिस्टम को समझने के लिए ये तीन चीजें समझना बहुत जरूरी है। पहला क्या है, फाइनेंशियल मार्केट, दूसरा क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, तीसरा क्या है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट। ये पूरा चैप्टर तीन पार्ट में डिवाइड है और इन तीनों को डिटेल में हम पढ़ेंगे। यहां तक चीज क्लियर है, पक्का, चलिए। तो फाइनेंशियल मार्केट में तो दो चीज पढ़ ली, पहला क्या पढ़ा, मनी और कैपिटल पढ़ा, पक्का,
चले, जब आपने मनी और कैपिटल पढ़ा तो मैंने आपको बताया मनी का बस इंट्रोडक्शन है, मनी के बस आप मीनिंग समझो कि डिफरेंस बिटवीन पढ़ोगे, इसके बाद आपको कहीं आपके सब्जेक्ट में मनी मार्केट नहीं दिखेगा, क्या दिखेगा? कैपिटल मार्केट। चलिए, कैपिटल मार्केट के भी दो बाइफर्गेशन है, एक क्या है सिक्योरिटी मार्केट, दूसरा क्या है बच्चा अदर। हम पूरा जो पढ़ने वाले वो क्या पढ़ने वाले, सिक्योरिटी मार्केट, सब्जेक्ट का नाम ही सिक्योरिटी लॉ है तो सिक्योरिटी मार्केट पढ़ेंगे। सिक्योरिटी मार्केट में दो मार्केट आते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मार्केट एकदम न्यू इश्यू मार्केट कहलाता है, क्योंकि प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होता है जिसमें कंपनी डायरेक्ट इन्वेस्टर को शेयर इश्यू करती है। अब आपने सुना होगा आईपीओ और एफपीओ, सुना है क्या? कल की क्लास अटेंड की होगी तो और बेटर समझ में आ गया होगा, ठीक है, आईपीओ और एफपीओ, ठीक है। चलिए, अब इन्होंने यहाँ पे आईपीओ और एफपीओ की बात कर दी, तो वापस से कहूंगी प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होता है जिसमें कंपनी ने शेयर इशू किया, आईटेक्स ने शेयर इशू किया, आपको इशू किया, तो ये प्राइमरी मार्केट। अब आप लोग आपस में एक दूसरे को शेयर दे, चलो तो वापस, तो प्राइमरी मार्केट कौन सा मार्केट होता है जिसमें फर्स्ट टाइम कंपनी, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल कार कंपनी से खरीदी, तो वो प्राइमरी मार्केट। अब सेकेंड हैंड मार्केट एक दूसरे को ओएलएक्स क्या है, प्राइमरी की सेकेंडरी मार्केट। तो सेकेंडरी मार्केट क्या बोल रहा है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ये फैसिलिटी आपको मिलती है, ठीक है। चले वापस वापस वापस, अगर दोनों तरफ कौन है, अगर दोनों तरफ कौन है, दोनों तरफ इन्वेस्टर्स ही है, कोई खरीद रहा है कोई बेच रहा है, तो उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। चलिए, तो कुछ नहीं, ये सब एग्जांपल्स हैं, अभी डिटेल में अब आपकी बुक में आएंगे, आ जाइए। ये आपकी बुक, चैप्टर का नाम क्या लिखा है, बेसिक्स ऑफ कैपिटल मार्केट। अब आपका पूरा कैपिटल मार्केट सिखाया जाएगा, जबकि मैंने आपको क्या पूरा सिस्टम बताया, सबसे पहले क्या समझाया, फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम में तीन चीजें थी, पहली मार्केट, देन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, देन फाइनेंशियल प्रोडक्ट, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट में पहला मनी है, दूसरा क्या है कैपिटल, और आपका चैप्टर का नाम क्या है, बेसिक्स ऑफ कैपिटल। जब आपने कैपिटल समझा तो कैपिटल में क्या आता, सिक्योरिटी और अदर। हम पूरा सिक्योरिटी मार्केट समझेंगे, यही आपका पूरा सब्जेक्ट है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें, स्टार्ट करते एकदम फ्रेश। हेडिंग क्या लिखा है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। जब भी कोई भी चैप्टर आप स्टार्ट करोगे तो स्टार्टिंग में आपको ये हेडिंग दिखेगी दिखेगी, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। आपको बताता है कि जब ये आप चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें आप कौन कौन से कानून पढ़ेंगे, कौन कौन से रेगुलेशंस पढ़ेंगे। तो देखो ये एक्ट 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 दे रखा है, एक्ट, ठीक है। फिर क्या दे रखा है, रेगुलेशन 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 और रूल्स, समझना। इन्होंने कहा कि आपको हम पूरा का पूरा सेबी एक्ट की बातें करेंगे, यहां पर आरबीआई की भी बात करेंगे। आरबीआई की बात करेंगे क्योंकि मनी मार्केट का मीनिंग समझाएंगे ये लोग। मनी मार्केट का जब मीनिंग समझाएंगे तो बताएंगे कि भैया मनी मार्केट में कंट्रोल कौन करता है, आरबीआई, और बाकी जगह पे कौन करता है, सेबी करता है। चलो, सेबी के कुछ रेगुलेशंस है, सेबी के कुछ रेगुलेशंस है। अब क्योंकि ये टर्म्स अभी आप नहीं जानते हो, ओवर द पीरियड जब ये चैप्टर खत्म होगा तो ये टर्म्स भी जान जाओगे, ठीक है। तो अभी नहीं समझाऊंगी, जब जब वो टॉपिक आएगा तब तब समझेंगे। कंपनीज एक्ट और साथ में उसके रूल्स भी पढ़ेंगे और सेबी के फिर बहुत सारे रेगुलेशंस। तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आपको बस एक तरीके से हेडिंग्स बता देता है कि ये कानून ये एक्ट हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडिया। क्या मैंने अभी पूरा फाइनेंशियल सिस्टम समझाया शॉर्ट में, समझ में आया? वापस, फाइनेंशियल सिस्टम में क्या बताया मैंने, फाइनेंशियल सिस्टम पहले क्या आता है, फाइनेंशियल मार्केट, देन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, देन। तो ये मैंने शॉर्ट में बता दिया, ये बोरिंग पूरे के पूरे पैराग्राफ, क्योंकि हमेशा आपकी मॉड्यूल ये सब देती है और लंबी चौड़ी कहानी के साथ, तो ये आएगा आपका रीडिंग। लिखो साफ साफ कि हमें ये रीड करके आना, ये आपका कल का होमवर्क है, ठीक है। पूरा रीड करके आएंगे, कौन सी लाइन नहीं समझ में आती मार्क करके आना, मुझसे पूछना, मैं समझाऊंगी। लेकिन क्योंकि ये कंसेप्ट समझा चुकी है शॉर्ट में, तो ये पूरा रीड करता है, ठीक। चलिए अब आ जाओ हेडिंग, कंपोनेंट ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। उन्होंने खुद ने नहीं भी क्या कर दिया, शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन किया। मैंने आपको बताए थे तीन, पहला क्या बताया था, फाइनेंशियल मार्केट, दूसरा मैंने क्या बताया था, मैंने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोला। इन्होंने क्या लिखा है, फाइनेंशियल मार्केट के पार्टिसिपेंट, अलग तरीके से इन्होंने लिखा है, तो क्या समझ में आ रहा है। मैंने पहले आपको कठिन वाला मुश्किल वाला टर्म पहले समझा दिया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्योंकि जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो वो बीच बीच में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यूज करेंगे। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या है, फाइनेंशियल मार्केट के पार्टिसिपेंट। पार्टिसिपेंट कौन थे, वही एंकर इन्वेस्टर, बड़े बड़े एंजल वेंजल जो सारे इन्वेस्टर्स थे, है ना, अमीर लोग, ठीक। तीसरी चीज क्या है, मैंने क्या बताया आपको, फाइनेंशियल प्रोडक्ट,
जिस प्रोडक्ट में डील करना है, इन्होंने क्या टर्म लिखा है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो इसे क्या क्या और बोलते हैं अपनी बुक में लिखो, फाइनेंशियल मार्केट में से और कर लिखो, क्या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट भी इसे बोलते हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के नीचे लिखो कि इसे हम फाइनेंशियल प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ताकि ये दोनों चीजें लिखी रहेंगी ना, तो ये आपकी बुक कुछ भी लैंग्वेज यूज करी तो आपको सब समझ में आ जाएगा। क्लैरिटी है पक्का? पूछो अब मैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या है? प्रोडक्ट। फाइनेंशियल पार्टिसिपेंट, इंस्टीट्यूशन, याद रहेगा। चलिए अब फाइनेंशियल मार्केट की बात करेंगे, तो दो मार्केट हमने समझा, एक मनी समझा और एक कैपिटल। कैपिटल में दो चीजें थी, सिक्योरिटी और अदर। अदर अभी डिटेल में जाएंगे, बस अभी अदर मान के चलो, ये हमारे लिए अदर है। सिक्योरिटी के अंदर एक न्यू इश्यू मार्केट और एक सेकेंडरी। क्या न्यू इश्यू मार्केट को क्या मैं प्राइमरी बोल सकती हूँ? लिख लो, यहाँ पर प्राइमरी मार्केट की बात हो रही है और ये सेकेंडरी, तो इन्होंने लिखा ही है स्टॉक एक्सचेंज सेकेंडरी मार्केट, यहाँ पे आप स्टॉक एक्सचेंज लिख सकते हो। क्या ये बात समझ में आई? तो सेकेंडरी बोलो, स्टॉक एक्सचेंज बोलो, एक ही बात है, क्लियर है यहाँ पर। चलिए फिर मनी मार्केट के इन्होंने टाइप्स बताए। भैया इससे तो तुम्हें तुम्हारा है ना स्कूल याद आ जाना चाहिए, क्या था मनी मार्केट में? कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, ठीक है। तो ये इन्होंने नाम दिए हैं, एक्सप्लेन नहीं किया इन्होंने यहाँ पर। उन्होंने कहा भैया आप 12वीं में पढ़कर आए हो अच्छे से, तो भैया हम बस आपको बताएंगे तो मनी मार्केट बताएंगे, और मनी मार्केट का मीनिंग मैंने अभी आपको बता दिया। एक छोटा मार्केट होता है, एक साल से कम होता है, लिक्विडिटी ज्यादा है कि कम है? लिक्विडिटी हाई, रिस्क कम है कि ज्यादा है? कम है, ठीक है। चलो कैपिटल मार्केट समझ में आ गया। अब आ जाओ मार्केट के पार्टिसिपेंट, या फिर मैं इसको क्या बोलूं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्या बोलता है? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, नहीं सुना। फॉरेन पोर्टफोलियो, अल्टरनेटिव, वेंचर कैपिटल। देखो थोड़ा बहुत जो सुना होगा, जो मुझे लगता है वो वेंचर सुना होगा, वो भी सुना है, समझा इतना नहीं है, टर्म्स बस सुना है। पोर्टफोलियो भी सुना है, सब कंपनी है, सब कंपनी है, हाँ ये सारे टर्म्स जो जो सुने होंगे वेरी गुड, लेकिन मैं कहूंगी 90% तो कंपनीज है बच्चा। बैंक क्या है? बैंक क्या है? कंपनी ना, बैंक तो सबसे ज्यादा डील करता है, बात समझ में आ रही है। ये पेंशन फंड किसके पास है? ये प्रोविडेंट फंड किसके पास है? कंपनीज के पास है, गवर्नमेंट के पास है, बैंकों के पास है। तो इन शॉर्ट मॉरल ऑफ द स्टोरी, सब बॉडी कॉर्पोरेट है, सब कंपनीज का तो फॉर्म है। तो यस, इनकी पूरी डिटेलिंग पढ़ेंगे, अभी कुछ भी नहीं बताने वाली, नेक्स्ट टॉपिक क्योंकि वही आ रहा है। अब आ जाओ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बोलो या फिर फाइनेंशियल प्रोडक्ट बोलो। शेयर्स तो सुना है, समझा भी है, डिबेंचर सुना समझा दोनों, बॉन्ड्स सुना है लेकिन थोड़ा कम समझा है, थोड़ा बहुत समझा भी होगा, अच्छे से समझा है, चलो वेरी गुड। इंडियन डिपॉजिटरी रिसर्ट्स सुना है, एडीआर जीडीआर पढ़ा भी है ट्वेल्थ में, याद है तो वेरी गुड, नहीं है तो मैं बहुत अच्छे से प्रोसेस के साथ बताऊंगी ही। ये सब ट्वेल्थ है, ये सब ट्वेल्थ है बच्चा, ठीक है, वेरी गुड। एडीआर जीडीआर, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसर्ट, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अगर ट्वेल्थ में नहीं भी अच्छे से समझा है तो यहाँ पूरे बेसिक्स है, ठीक है। वॉरेंट्स, रीट, इनवीट, नहीं सुना ये सब, ये सीएस प्रोफेशनल के कंसेप्ट आते हैं, या शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दिया है यहाँ, और सीएस जब आप प्रोफेशनल में पहुंचोगे तो पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ोगे इनमें, लेकिन शॉर्ट में बताऊंगी। म्यूचुअल फंड सुना तो होगा ना, अभी इन्हें म्यूचुअल फंड मान के चलो, ये म्यूचुअल फंड के टाइप्स होते हैं एक तरीके से, ठीक है, म्यूचुअल फंड सुना है ना, यहाँ अच्छे से समझेंगे भी, ठीक है। चलिए तो ये एक तरीके से आपको बस ओवरव्यू दिया है कि ये टर्म्स है, किस किस की गहराई में, किस किस की डिटेल में हम जाएंगे। आइए अब फाइनली यहां से हमारा स्टार्ट होता है, क्या लिखा है, फाइनेंशियल मार्केट्स इन इंडिया, स्टार्ट करें पक्का। चलो बच्चों रूटीन आपका क्या रहेगा, यहां से जो कुछ भी पढ़ के जाओगे रिवाइज करना है घर पर, ठीक है। चलो अब आते हैं इंट्रोडक्शन, हेडिंग क्या लिखा है, फाइनेंशियल मार्केट इंडिया, कुछ नहीं इंट्रोडक्शन में इधर उधर की बातें, हिस्ट्री, जहां हिस्ट्री पोर्शन आएगा वहां रीडिंग पोर्शन तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है। जो कहानियां मैंने बताई है वो उसको और शब्दों में अच्छे से एक्सप्रेस करके बस वो बताते हैं, आ जाओ सीधे नीचे आ जाएंगे। ये पैराग्राफ मिला आपको, वैसे बुक में नहीं देखो, सीधा स्क्रीन में देखो। फाइनेंशियल मार्केट की बात करें तो यहाँ पे क्या बोलता है, दो मिनट स्क्रीन नहीं दिख रही होगी। फाइनेंशियल मार्केट इफिशियंट करवाता है, ये जो मार्केट है ये मार्केट क्यों बना है, ताकि हम क्या कर सके, सिक्योरिटी की जो ट्रेडिंग है वो और बेटर हो पाए ना, नहीं तो भैया जालसाज लोग तो रहते ही है ना, भैया हम तुमको पैसे दे देंगे तुम हमें शेयर दो,
ये सब तो बहुत ज्यादा हुआ ही है, हर किसी के साथ फ्रॉड तो होते ही है, चीटिंग तो होती है, ठीक है। तो ये सिस्टम और बेटर हो सके इसलिए पूरा फाइनेंस सिस्टम आया है, हम बेटर तरीके से फंड को क्या कर सके, ट्रांसफर कर सके बिटवीन जो भी हमारे लेंडर्स एंड बोरोवर्स है। लेंडर बोरोवर कौन होते हैं? लेने वाला पैसा, देने वाला पैसा, बोरोवर जो उधारी ले रहा है, लेंडर्स जो उधारी दे रहा है। ऑल्सो क्रिएट द सिक्योरिटी फॉर द इन्वेस्टमेंट, और जो हम इन्वेस्टर्स हैं मार्केट में पैसा लगाते हैं, पीपल हु हैव सरप्लस फंड इन्वेस्ट इन दीज। बच्चा आपके पास ज्यादा पैसा है तो मार्केट में लगा दिया, जिनको जरूरत है उनको दे दो। फॉर एग्जाम्पल टाटा कंपनी बोल रही है कि मैं अपना आईपीओ लेकर आ रही हूँ। आईपीओ लेकर आ रही हूँ मतलब कि मैं अपना शेयर मार्केट में लेकर आ रही हूँ। क्यों लेकर आ रही है टाटा कंपनी? मार्केट से पैसे ले सके। और हम कह रहे हैं हमारे पास बहुत पैसा है, हमें कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, कुछ हमें रिटर्न करना है। आपके पास पैसा ज्यादा है तो जमीन खरीद रहे हो ना, प्रॉपर्टी खरीद रहे हो ना, तो ये भी एक तरीके से प्रॉपर्टी है कि आप शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हो कि बदले में रिटर्न कुछ ना कुछ आपको मिले। और जिनको चाहिए, जिनको पैसे चाहिए, वो मार्केट से आपसे मांग रहे हैं और आपके पास पैसा है तो आप उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या लिखा है? पीपल हु वॉन्ट सरप्लस फंड, वो लोग जिन्हें पैसा, जिनके पास पैसा सरप्लस में पड़ा है, मतलब उनके पास जरूरत नहीं है पैसे की, तो पीपल हु हैव सरप्लस फंड इन्वेस्ट इन दी सिक्योरिटी टू अर्न दी रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। क्लैरिटी है बच्चा? बाकी ये पोर्शन एक बार रीड करना, ये भी रीडिंग पोर्शन, सीधा आ जाओ फंक्शन। फाइनेंशियल मार्केट मैंने अभी आपको बताया था, दो टाइप थे फाइनेंशियल मार्केट के, मनी और कैपिटल। तो अभी ये फाइनेंशियल मार्केट के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट में इन्होंने बताया है फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? हेडिंग पहले बताओ, काम। फंक्शन मतलब काम। हमारा फाइनेंशियल मार्केट क्या क्या काम करता है? काम नंबर वन क्या करता है? मोबिलाइज करता है और सेविंग करता है। हेडिंग बना सकती हूँ, मोबिलाइजेशन मतलब ट्रांसफर करना, इधर उधर करना। पैसा मेरे पास रखा था, टाटा कंपनी शेयर लेकर आती है, मैंने ये पैसा टाटा को दे दिया। टाटा ने इस पैसे का क्या किया? प्रोजेक्ट में काम किया, किसी प्रोजेक्ट में लगाया, ठीक है, कहीं बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करी, रोड बनाया, इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी, ठीक है, किसी हॉस्पिटल में पैसा लगाया। पैसा क्या हो रहा है? मोबिलाइज हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। मेरे पास से कंपनी के पास गया, कंपनी ने हॉस्पिटल बनाया तो हॉस्पिटल में लगा, हॉस्पिटल से भैया लोगों की सैलरी प्रोवाइड करनी है तो सैलरी में गया, सैलरी वाले ने क्या किया भैया, घर गया, मस्त सब्जी चाहिए थी उसे, है ना, या फिर कोई खर्चे कपड़े चाहिए थे तो खरीदे। पैसा क्या हो रहा है बच्चा? रोटेट हो रहा है। तो यहाँ पे मोबिलाइजेशन भी हो रहा है और चैनलाइजिंग दी सेविंग इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूज, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट और क्या करता है? डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी। डिटरमाइन करना मतलब पता लगाना, जो भी सिक्योरिटीज की प्राइस है बच्चा ये पता चलती है। टाटा का शेयर आ रहा है 10,000 में, मेरा मन कर रहा है भाई मुझे नहीं खरीदना, 10,000 मुझे नहीं खरीदने का मतलब, ठीक है, मेरे जैसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो बच्चा प्राइस डिसाइड हो गई ना कि 10,000 डिजर्व नहीं करता है, उन्होंने बोला भैया 1,000 का है, सबने खरीद लिया, मतलब हर कोई खरीदने को तैयार है। मार्केट में प्राइस कैसे डिसाइड होती है? भैया आईफोन आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है? आईफोन कहाँ तक का आ चुका है भैया, कौन सी रेंज तक का? 15 तक आ चुका है, ठीक है, मार्केट में अब 16 आ रहा है मान लो। तो बच्चा कितने तक के पैसे देने को तैयार हो जाओगे आप? 2,00,000 तक, देखो है डिमांड है ना, बिल्कुल है, नहीं इतनी नहीं, है ना, वेस्ट ऑफ मनी, ठीक है। 1,00,000 भी क्या वेस्ट ऑफ मनी नहीं लग रहा है? 1-1.5 लाख, है ना, फोन ही तो है, बात ही तो करनी है, है ना, बात ही करनी है ना, वही तो माइक लेके घूमो, जोर जोर से चिल्लाओ। चलो वापस आते, बस मैं कह रही हूं किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस पता चलती है ना मार्केट में, डिमांड और सप्लाई के बेसिस में। तो सेम बच्चा यहाँ पे भी फाइनेंशियल मार्केट में हमें सिक्योरिटीज की प्राइस पता चलती है, या फिर मैं दूसरे तरीके से बोलूं कंपनी की गुडविल पता चल रही है, है ना, हमें ये पता चल रहा भैया कंपनी कितना डिजर्व करती है। तो डिटरमाइनिंग द प्राइसिंग ऑफ द सिक्योरिटी ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिमांड एंड सप्लाई। पहले दो पॉइंट समझ में आ गए, पहला क्या था? मोबिलाइजेशन और सेविंग करवा रहा है, लोग सेव करके इन्वेस्ट कर रहे हो फिर कहीं और दे रहे, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है? डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी क्या प्रोवाइड करता है? लिक्विडिटी। स्टॉक मार्केट है बच्चा, मैंने 1,00,000 के शेयर्स खरीद लिए, पैसे की जरूरत पड़ी तो भैया बेच दिया ना किसी और को, तुरंत तो पैसा मिलता है कि नहीं मिलता? 80-20, हाँ हाँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कितना टाइम लग रहा है? 1-2 दिन ही लग रहा है ना। मेरे पास जमीन है, मेरे पास क्या है? एक जमीन है, 1 करोड़ की जमीन है, बेचना है, मिल जाएंगे 1 दिन में, 2 दिन में मिल जाएंगे। तो लिक्विडिटी कहाँ है? हॉस्पिटल में इमरजेंसी आ गई, भैया जमीन बेचने में हालत खराब हो जाएगी, कितना टाइम लगेगा? वी नेवर नो, है ना। और फिर अगर टाइम लगेगा तो औने पौने दाम में
बेच के भी जाना पड़ेगा। 1 करोड़ की जमीन को भैया सस्ते में कहूंगी कि मुझे 50-60 में बेचना है, तो तुरंत लोग मुझे कैश देकर जाएंगे, 50-60 लाख कैश देकर जाएंगे कि भैया 1 करोड़ की जमीन। हाँ एक्चुअल में इमरजेंसी का फायदा उठाए। लिक्विडिटी इश्यूज प्रॉपर्टीज में जाते हैं, लेकिन यही चीज यहाँ पे उन्होंने क्या बोल दिया कि भैया मार्केट में लिक्विडिटीज इश्यूज नहीं है, ठीक है, जमीन बेचने में पसीना निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे बस बोला ट्रेडेबल एसेट्स होते हैं, ठीक है, फैसिलिटी एक्सचेंज, इन्वेस्टर कैन रीडली सेल देयर सिक्योरिटीज, क्लियर है, जल्दी बेच पाएगा कंपैरिजन टू दूसरी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्या लिखा है, यहाँ उतना पैसा नहीं लगता है, इट रिड्यूस कॉस्ट बाय प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द सिक्योरिटी ट्रेड इन द फाइनेंशियल मार्केट। मार्केट की इन्फॉर्मेशन आपको स्टॉक मार्केट में तो आसानी से दिख जाएगी ना। आज आपको अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर मैं आपसे कोई कंपनी के शेयर की वैल्यू पूछ लूं तो पता लगा लोगे ना, पक्का पूछ लूं, बताओ MRF के बता दो कितना रेट आ गया, बताओ करंट क्या चल रहा है। हाँ हाँ खोलो खोलो जल्दी, देखूं बन रहा है कि नहीं बन रहा। जब IRCTC के शेयर फर्स्ट टाइम IPO जब वो लेकर आया था ना, तो ओवर सब्सक्राइब हो गया था, हमें तो भाव भी नहीं मिला, ठीक है, नहीं मिला क्योंकि इतना ओवर हो चुका था तो कंपनी रिजेक्ट ही कर देती है, ठीक है, कि सभी लोग मांग रहे किस किस को देंगे, ठीक है। तो प्रोपोर्शनेट बेसिस में देना पड़ता है, अकाउंट्स में ये सारी एंट्रीज करी होगी ना, ठीक है। तो IRCTC का आज कितना रेट हो गया है, 943, ठीक है, तो अप्स डाउन होता है, वो तो चलता रहता है, ठीक है। तो बस मैं कह रही हूँ, इट रिड्यूस कॉस्ट बाय प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, आपको आसानी से सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है रिगार्डिंग द सिक्योरिटी ट्रेड इन द फाइनेंशियल मार्केट, जब चाहे इन्फॉर्मेशन पता लगा सकते हो ना। अभी बोलूंगे एक जमीन का रेट पता कर आओ, इतनी फ्रिक्वेंटली बता कर पाओगे क्या, हम पढ़ रहे बच्चा फाइनेंशियल मार्केट, ठीक। नेक्स्ट क्या लिखा है, आसानी से एक्सचेंज हो रहा है विदाउट फिजिकल डिलीवरी, फिजिकल डिलीवरी की जरूरत है क्या, नहीं बच्चों नहीं, ठीक है। पुराना जमाना था कि शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते थे, जैसे पैसे, सॉरी पुराना जमाना था कि शेयर्स फिजिकल फॉर्म में होते जैसे पैसे, आज फिजिकल फॉर्म में पैसे रखते हो, मस्त गूगल पे है, फोन पे है, फोन है हाथ में, तो भैया पैसे आपके पास है, अकाउंट में होने चाहिए, तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है ना सब कुछ। तो सेम बच्चा ऐसे शेयर्स भी ना ऐसे डॉक्यूमेंट होता था, कुछ नहीं पेपर है पुराने, ठीक है, दिखाऊंगी उसकी भी फोटो ही दिखा पाऊंगी, फिजिकल तो मैं भी नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि सब अब इलेक्ट्रॉनिक ही होता है। तो एक सर्टिफिकेट है, कुछ नहीं एक पेपर है, ये शेयर कंपनी पहले से शेयर आपको इशू करके देती थी, प्रॉपर प्रिंट करके देती थी, बदले में आपको मिलता था पैसा। उसमें क्या लिखा रहता था कि भैया फॉर एग्जांपल टाटा रिलायंस की ये कंपनी है, उन्होंने 10,000 के शेयर्स आपको इतने इतने में दिए हैं, इतनी तारीख को दिए, और आपका उसमें नाम लिखा रहता था, और कितने नंबर ऑफ शेयर्स है, 4 है 5 है 10 है 20 है, जितने वो लिखे होते थे, सर्टिफिकेट होता था। अब ये सारी चीजें खत्म हो गई है और सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने वाला है कौन, NSDL और CDSL, ये डिपॉजिटरीज है, जो अभी मैंने आपको बताया ना डिपॉजिटरी एक्ट, पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे कैसे क्या कन्वर्ट होता है, सब पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। तो अब ये कन्वर्ट हुआ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पर कैसे, ये हमारे NSDL CDSL ये दो कंपनीज है, दो ही कंपनी है जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करती है, इन्होंने हमें कन्वर्ट कर दिया, यहाँ तक चीजें क्लियर है। तो यहाँ बस वो यही कह रहे हैं कि भैया अब सारी चीजें ऑनलाइन होती है, फिजिकल कोई डिलीवरी की जरूरत नहीं है, ये है हमारा फाइनेंशियल मार्केट। क्या फाइनेंशियल मार्केट समझ में आया, फटाफट हेडिंग हेडिंग गो थ्रू करो। मोबिलाइजेशन सेविंग, प्राइस डिटरमाइन करता है, लिक्विडिटी ज्यादा अच्छी है, कॉस्ट रिड्यूस करता है इन्फॉर्मेशन एंड ऑल की, और एक्सचेंज ऑफ एसेट्स, क्लियर है बच्चों। चलिए अब फाइनेंस की अगर हम बात करें, फाइनेंशियल मार्केट की बात करें, तो दो मार्केट है, पहला मार्केट आपको मिलता है मनी और दूसरा कैपिटल। चलिए कैपिटल मार्केट की, सॉरी मनी मार्केट की डिटेल में जाएंगे। मनी मार्केट का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया, क्या क्या था, लिक्विडिटी इसमें ज्यादा होती है, रिस्क इसमें कम होता है, ड्यूरेशन 1 साल से कम, शॉर्ट टर्म होता है, ठीक है, रेगुलेटेड बाय RBI। अब इतने लिखने में किसी को नंबर नहीं मिलने वाले, मान लो 5 मार्क्स का है, क्या लगता है इतना ही बस शॉर्टकट, शॉर्टकट्स होते हैं याद करने के लिए, हमेशा बता दूं, लिखना कभी भी शॉर्टकट में नहीं है, या फिर शॉर्टकट होते हैं हेडिंग्स बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आपको शॉर्टकट दिया, इसका मतलब क्या है, क्या यही लिख कर आना है, नहीं, ये हेडिंग बनानी है, ये हेडिंग बनानी है, फिर अंदर इलेबोरेट करो, ठीक है। तो बच्चा यस इलेबोरेट ही करना पड़ता है, आपका पूरा सब्जेक्टिव होता है, ठीक। आ जाइए मनी मार्केट में, शॉर्ट पॉइंट्स तो मैंने बता दिए, चलो इलेबोरेशन सीखे, पॉइंट्स दिक्कत ये है हमें बनता सब है दीदी, हम लिख नहीं सकते, मेन कहानी बच्चा लिखने की है, लिखने के ही नंबर मिलते हैं, वहां पे कोई वाइवा नहीं हो रहा, ओरल टेस्ट नहीं हो रहा है, ठीक। आ जाओ पहला पॉइंट, मनी मार्केट एक सेगमेंट है जिसमें, सेगमेंट है फाइनेंशियल मार्केट का जिसमें बोरिंग एंड लेंडिंग होता है शॉर्ट टर्म फंड, सॉरी
वापस वापस वापस, मैंने बताया ये शॉर्ट टर्म होता है। अब देखो इनका एक्सप्लेन करने का तरीका क्या बताया, ये फाइनेंशियल मार्केट का एक सेगमेंट होता है जिसमें बच्चा बोरिंग और लेंडिंग होती है, किस बेसिस में, शॉर्ट टर्म बेसिस में, इंस्टीट्यूट आपसे ये एक्सपेक्ट करता है। ठीक है, पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा, सेकेंड पॉइंट, द मेच्योरिटी ऑफ द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट रेंज फ्रॉम दी 1 डे टू 1 ईयर। मैंने शॉर्टकट में आपको क्या बताया भैया, 1 साल के अंदर की बात हो रही है। ठीक है, तो ये शॉर्टकट ऐसे लिखना नहीं होता है, आपको लिखना सीखना पड़ेगा बच्चा। मनी मार्केट के जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनकी रेंज एक दिन से 1 साल तक की रहती है। क्लियर है बच्चा? चलिए नेक्स्ट। इन इंडिया दिस मार्केट इज रेगुलेटेड बाय बोथ, इन्होंने बोला आरबीआई और सेबी, लेकिन मेजोरिटी रोल किसका होता है, आरबीआई का। आरबीआई सेबी दोनों आ जाती है, क्यों सेबी को बोल दिया उन्होंने, क्योंकि वही इन्वेस्टर्स कौन है, पैसे लगाने वाले कौन है, बड़े बड़े बैंक से आते हैं, और ये बैंक कौन आएंगे, आरबीआई के अंडर वाले आएंगे, तो इसलिए सेबी भी उन्होंने बोल दिया, क्योंकि आगे चलकर यूज होता है, तो आरबीआई सेबी दोनों बोला, लेकिन मेन प्लेयर कौन है इसमें, आरबीआई होता है मनी मार्केट में। ठीक है, चलिए समझ में आया। और ये फुल फॉर्म दिया है, द नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन इन दिस मार्केट, इस मार्केट में जो भी नेचर होता है इज सच दे आर रेंज इन अ लार्ज इन अमाउंट, पैसा बहुत बड़ा आता है इसमें, और क्या होती है बच्चा, हाई इन वॉल्यूम। ये समझ में आ रहा है, बहुत बड़ा अमाउंट, तगड़ा अमाउंट, और वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, 1 दिन से 1 साल तक में बहुत ट्रांजेक्शन हो जाते हैं, बहुत हाई वॉल्यूम होती है। थस वी कैन से दैट द एंटायर मार्केट इज डोमिनेटेड बाय स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज प्लेयर्स, कम लोग है लेकिन प्लेयर्स क्या है बच्चा, बड़े प्लेयर्स है ये लोग। ठीक है, बड़े प्लेयर्स है क्योंकि वॉल्यूम में खेलते। जो इंसान भैया आज पैसा लेके कल दे दे रहा है तो बड़ा इंसान है ना वो, भाई हम लोग किस में खेल रहे हैं, हम लोग कैपिटल मार्केट में खेल रहे हैं, भैया हम 1 लाख के खरीदेंगे 2 लाख के खरीदेंगे, इससे ज्यादा शेयर्स नहीं खरीदेंगे। ठीक है, 1 लाख 2 लाख, लेकिन ये लोग क्या, ये तो करोड़ों में खेलने वाले लोग है ना, तो ये बड़े प्लेयर्स है। तो मनी मार्केट में कौन आ रहे, बड़े प्लेयर्स आ रहे। बात समझ में आ रही है पक्का? हम तो लॉन्ग टर्म में जा रहे हैं भैया, थोड़ा थोड़ा करके हम इकट्ठा करते हैं, एक बार में क्या 1 करोड़ लगाने की हिम्मत रखते हैं क्या हम लोग, नहीं। तो हम जब कैपिटल मार्केट सिक्योरिटी मार्केट पढ़ेंगे तो उसमें वैरायटीज होती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला टाटा कंपनी के शेयर सारे, रिलायंस कंपनी के शेयर सारे, क्या यहां बड़े प्लेयर्स नहीं है, यहां भी बड़े प्लेयर्स है, यहां बड़े प्लेयर्स भी है छोटे प्लेयर्स भी है, तो अब तो सारे के सारे बड़े प्लेयर्स खरीद लेंगे। जैसे मैंने अभी बताया ना IRCTC का जब IPO आया था तो लमसम, ठीक है, लोगों ने इतना इतना डिमांड करी थी, तो क्या लगता है बड़े लोग नहीं आ रहे होंगे, और क्या बड़े लोग को प्रेफरेंस नहीं मिल रही होगी, मिल रही होगी, भैया कंपनी तो चाहिए हम बड़े लोग को रखे। ठीक है, लेकिन सेबी बोलता है ऐसा नहीं चलेगा, सेबी ने क्राइटेरिया सेट कर रखे हैं कि भैया छोटे लोग को भी जगह मिलेगी, मिडिल लोग को भी जगह मिलेगी, और बड़े लोगों को भी। तो ऐसे क्राइटेरिया सेट होते तो सेबी के रूल्स रेगुलेशन को ध्यान रखना होता है। आप लोग क्यों पढ़ रहे हो ये सारी चीजें, आपको इसीलिए ये पढ़ाया जा रहा है क्योंकि आप ही तो ये फॉलो करवाओगे। किसी कंपनी का अगर IPO आएगा तो भैया आप बैठे रहोगे ना, आप बताओगे भैया IPO आ रहा है, तो IPO में जितने भी लोगों की एप्लीकेशन है तुम सब लोगों ने एप्लीकेशन दी। ठीक है, तो एप्लीकेशन का बाइफर्केशन देखा जाएगा कि भाई हमें छोटों को भी देना है, एवरेज लोगों को भी देना है, और बड़े प्लेयर्स को भी देना है। अदरवाइज बड़ा प्लेयर तो हमेशा कहेगा हमें तो पूरे शेयर्स दे दो, हमें बहुत भरोसा है टाटा कंपनी में, पूरे शेयर्स बड़े खा के बैठे, तुमको मिलेगी क्या जगह, नहीं मिलेगी। लेकिन सेबी बोलता है भैया इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करना है, तो आपके लिए भी बचा के रखा जाएगा, रिजर्व करके रखा जाता है। ठीक है, तो यहां तो वैसे लार्ज प्लेयर्स ही आते हैं, लेकिन हाँ कैपिटल मार्केट में सारी वैरायटीज अवेलेबल है। क्लियर है? चले, द मार्केट कंसिस्ट द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैविंग लिक्विडिटी, उन्होंने बोला कि यहाँ पे लिक्विडिटी रहती है, क्विक कन्वर्जन इनटू मनी, लिक्विडिटी का मीनिंग बताया कि भैया कन्वर्ट जल्दी हो जाता है, मिनिमम ट्रांजेक्शन कॉस्ट, इसमें खर्चा भी बहुत कम होता है, नो लॉस इन वैल्यू, वैल्यूज भी लॉस नहीं होती, तुरंत तुरंत जल्दी जल्दी मिल जाता है। सच एज एग्जाम्पल दे देके उन्होंने बताया इसमें कौन कौन से आते हैं, ट्रेजरी बिल्स आते हैं, देन कमर्शियल पेपर आते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आते हैं, एक्सेट्रा। फिर फाइनली इट्स परफॉर्म द क्रूशियल रोल और कंडक्ट द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द इकोनॉमी, इन्होंने कहा कि ये बहुत क्रूशियल रोल होता है इनका, इसी पे बेस हमारी पूरी पूरी इकोनॉमी की मॉनेटरी मनी से रिलेटेड पॉलिसीज बनती है। यहाँ टोटल कितने पॉइंट्स है बच्चा, 8 पॉइंट। क्या ये 8 पॉइंट्स की हेडिंग बताऊं, पहली हेडिंग क्या है, पहला पॉइंट सबको समझ में आया, शॉर्ट टर्म फंड्स आते हैं इसमें। दूसरा क्या है, सेकेंड पॉइंट 1 डे टू 1 ईयर, ये सेकेंड पॉइंट हो गया। तीसरा क्या है, रेगुलेटेड बाय आरबीआई एंड सेबी। चौथा पॉइंट क्या है, अमाउंट बहुत लार्ज होता है और हाई वॉल्यूम में खेलते, मतलब बहुत फ्रिक्वेंटली, आज दिया कल दिया फिर से ले लिया फिर दिया फिर दिया, यही खेलते रहते हैं बस। ठीक है, देन क्या लिखा है, डोमिनेट कौन करता है, कम लोग हैं लेकिन ये बम लोग हैं। ठीक है, फिर क्या लिखा है, लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, कॉस्ट कम है, लॉस भी नहीं है, मतलब मैं रिस्क
को बोल सकते हो ये रिस्क कम है, ठीक है। और फाइनली उन्होंने क्या बोला, ये मनी जो मार्केट है इसका बहुत बड़ा रोल होता है क्या करने में बच्चा, मॉनेटरी पॉलिसी बनाने में। अब हमारी इंडियन इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं, ये देश की इकोनॉमी की बात करूं, तो इसकी ना रूल्स रेगुलेशन पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है, तो पॉलिसी जब बनाई जाती है तो इन मनी मार्केट को ध्यान में रखकर भी बनाया जाता है, तो बहुत बड़ा रोल होता है। अब मुझे बताओ इस 8 पॉइंट में ऐसा कोई पॉइंट जो नहीं समझ में आया, डाउट है कि मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है, पहले तो ये बताओ। जो वेरी गुड, मनी पैसा ना, पैसे से रिलेटेड जितने भी पॉलिसीज बनाई जा रही है। अब फॉर एग्जांपल मॉनेटरी टर्म की हम बात करें, भैया नोट इतने के आएंगे, ये वो इतनी सारी जो चीजें रहती है ना, ये सब क्या है, मनी है ना। इसके अलावा क्या क्या होना चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट हमेशा पॉलिसी बनाती रहती है, ठीक है, ताकि हमारी जो इकोनॉमी है वो थोड़ी स्मूथली चल सके। अभी वापस से 2000 के नोट क्या बोलती है, नहीं होंगे, बंद करो, ठीक है। उस टाइम पे कोविड, कोविड बोल रही हूँ, डिमोनेटाइजेशन हमने कर दिया था, उस टाइम पे हम कालाबाजारी खत्म करना चाहते थे, ये लॉजिक था हमारा। फिर एकदम से इस 2000 के नोट, उस टाइम पे नीड थी, एकदम से पैसे खींच लेना और फिर दोबारा से पैसे देना कुछ टाइम के लिए हमें चाहिए था, लेकिन अब रिक्वायरमेंट नहीं है 2000 की, अब सारी चीजें सिस्टमैटिक हो गई, तो वापस से 2000 के नोट कर लिए। तो ये क्या होती है, ये सब पॉलिसीज होती है, सरकार मार्केट को एनालाइज करती रहती है और अपनी इसी बेस पे पॉलिसी बनाती रहती है। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया, ऐसे बहुत सारी चीजें होती रहती है। तो इन्होंने लिखा है कि भैया जो मनी मार्केट है, इस मार्केट का रोल गवर्नमेंट के साथ अगर हम पूरा मैच करें तो गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है शॉर्ट टर्म बेसिस में। सरकार जो खेलती है वो ज्यादा किस में खेलती है, मनी मार्केट में, कि भैया तुरंत में बैंकों को पैसा चाहिए, बैंकों को तुरंत में पैसा चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, पलटा देगी वो 4 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, तो भैया वो किस में आ रहा है, मनी मार्केट में। तो इन्होंने ये लिखा है कि भाई जो मनी मार्केट है वो बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है प्रोवाइडिंग दी, ठीक है, इक्विलिब्रेटिंग मैकेनिज्म टू इक्वल करने के लिए, टू इवन आउट दी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी देन सरप्लसेस डिफेक्ट एंड देयर फैसिलिटी। बैंक को पैसे की शॉर्टेज हो गई, एक बहुत बड़ा आदमी आ गया, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक के पास, और वो बोलता है कि भैया मुझे पैसे चाहिए, लोन चाहिए मुझे, ठीक है। बैंक बोलेगा भैया इतना तो है नहीं, उसको थोड़ी ना बोलेगा, किसी और से उठाएगा कम इंटरेस्ट रेट में, और इसको क्या देगा, पलटा देगा ना ज्यादा इंटरेस्ट रेट में। तो ये बैंक खेलते रहते हैं, तो बैंक ज्यादातर किसमें खेल रहे हैं, मनी मार्केट में, तो इससे अच्छा खासा फायदा भी होता है। तो कंडक्ट, तो इन्होंने कहा कि इसीलिए पॉलिसी बनाने में बहुत रोल प्ले करता है, बस वो ये बताना चाह रहे हैं। क्लियर है बच्चा, इक्वल करना, मार्केट की जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसे फुलफिल करना, ठीक। बच्चों वापस से कह रही हूं, आपको मेन लिखने में मेहनत करनी है, लिखने की डिमांड इस टाइप की होती है, एकदम टू कॉपी नहीं लिखना है, लेकिन स्टिल अडॉप्ट करो इनमें जो ये वर्ड्स टर्म्स जो यूज करते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम कैपिटल मार्केट में, चलिए कंपैरिजन करके चलेंगे। कैपिटल मार्केट द पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है, दैट इज कंसर्न विद द इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट, लॉन्ग टर्म लोन मार्केट। इन्होंने टर्म्स और ज्यादा ज्यादा बेटर यूज किए कि भैया ये कैपिटल मार्केट है जिसमें क्या इंडस्ट्रीज की सिक्योरिटी मार्केट, देन गवर्नमेंट भी डील करती है, ठीक है, और ये एक तरीके से क्या है, लॉन्ग टर्म लोन मार्केट है। टाटा कंपनी लॉन्ग टर्म लोन ही तो ले रही है तुम लोगों से, एक तरीके से डिबेंचर इशू करती है, इक्विटी प्रेफरेंस सब इशू कर रही है, तो आपसे क्या ले रही है, लंबे समय के लिए पैसा मांग रही है, शॉर्ट टर्म तो कर नहीं रही है, तो ये लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं। दूसरा, यहां मीडियम और लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी की बात हो रही है, ठीक है, नीड ऑफ दी बोरोअर्स एंड लेंडर्स, जिन्हें पैसे की जरूरत है उनकी नीड के अकॉर्डिंग है, मीडियम टर्म के लिए है या फिर लॉन्ग टर्म के लिए है, वो उनकी नीड पे बेस्ड होता है, जिसको जैसी जरूरत हो। थर्ड पॉइंट, मार्केट इज ऑल्सो क्या लिखा है, बैरोमीटर ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। इस बैरोमीटर का मतलब क्या होता है, लिख लो, इकोनॉमी का ये बैरोमीटर है। बैरोमीटर मतलब क्या है, इससे हमें हमारी इकोनॉमी के बारे में पता चलता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का रेट देखते हो, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का रेट देखते हो, दोनों में से आगे कौन है, बीएसई, क्यों आगे है, क्योंकि वो बहुत पुराना है। तो बच्चा ये एक बैरोमीटर है जिससे हमें पता चला है कि हमारे देश की इकोनॉमी क्या है, एक्चुअली में हम बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गए हैं स्टॉक मार्केट में, तो बहुत ही, हम एशिया में एग्जिस्ट करते हैं बच्चा अब तो, ठीक है, अच्छा खासा नाम चलता है बाहर अब बॉम्बे और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, बॉम्बे का तो बहुत ही अच्छा चलता है। मतलब ये एक तरीके का क्या है, हमारी देश की इकोनॉमी का बैरोमीटर बन चुका है कि अगर ये बड़ा है मतलब हमारी देश की इकोनॉमी बहुत अच्छी, बहुत देश आगे चल रहा है, बात समझ में आए, तो ये बैरोमीटर बन चुका है। इस डील विद द इंस्ट्रूमेंट एग्जांपल दिए हैं, इधर क्या क्या आता है, शेयर्स आता है, स्टॉक्स आता है, डिबेंचर आता है, बॉन्ड्स, ये बस कुछ एग्जाम्पल दिए, आते तो बहुत कुछ है, पढ़ेंगे अब डिटेल में, क्लियर है। अब इन 4 पॉइंट में कोई ऐसा पॉइंट जो नहीं समझ में आया, चलो डिफरेंस बिटवीन, फटाफट
प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट का डिफरेंस बता रही बच्चा, इंपॉर्टेंट है ठीक है, ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी जब तुम लोग का ग्रुप बनेगा तब, ठीक है चल बना देंगे, सेकेंड ग्रुप का नया बनेगा ना। हाँ है, हाँ तो बस है तो प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट अभी थोड़ा बहुत समझ में आया ना, प्राइमरी वैसे आगे चलकर है ना, ठीक है तो अभी समझा दूंगी। अच्छा यहां तक समझ में आ गया कैपिटल मार्केट। अब एक आपको हेडिंग क्या दिख रही है पूरे सिलेबस में, मनी मार्केट पढ़ेंगे कि कैपिटल मार्केट, तो इसलिए इसकी डिटेलिंग में जा रहे हैं और मनी मार्केट को उन्होंने बस थोड़ा सा समझाया, छोड़ दिया फिर नहीं आएगा ठीक है। आ जाइए कैपिटल मार्केट की क्या जरूरत है। कैपिटल मार्केट प्ले बच्चे एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रोल प्रमोट या फिर सस्टेन करने के लिए, हमारी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए कैपिटल मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक। इट इज इंपॉर्टेंट इफिशियंट ठीक है, कंडक्ट टू चैनल मोबिलाइज सेम है, इफेक्टिव सोर्स इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी, ये सब नीड है। इन सारी नीड को तुम बोलोगे दीदी ये सब हम पढ़ सकते हैं, हमें सब समझ में आता है, लिखो रीड बुक में, लिखते जाओ लिखते जाओ, पहले रीड करके आएंगे फिर कल फटाफट गो थ्रू करवाऊंगी ठीक है। चलो नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है, कैपिटल मार्केट के क्या है फंक्शंस, क्या फंक्शन है मोबिलाइज करना इन्वेस्टमेंट को, समझ में आ रहा है। देन क्या लिखा है, बाइंग एंड सेलिंग फैसिलिटी, बच्चा रिपीटेशन ही है देखो, फैसिलिटी फैसिलिटेट क्या, प्रोसेस ऑफ इफिशियंट प्राइस डिस्कवर, पढ़ा है ना ये भी, तो अभी अलग तरीके से पढ़ा है, टर्म्स अलग है। देखो भैया इन लोगों के पास बहुत टैलेंट है, एक ही चीज को अलग अलग तरीके से बता सकते हैं, बस यही टैलेंट तुम लोग को भी लेकर आना है कि हम एक ही चीज को दो तीन तरीके से बता सके ठीक है। तरीका नहीं रहता है तुम लोग का सही, तरीका सुधारो ना लाइको। चलो सेटलमेंट ऑफ द ट्रांजेक्शन इन अकॉर्डिंग प्री डिटरमाइंड टाइम शेड्यूल, ये क्या बोल रहा है, यहां इन्होंने बोला कि यहाँ पे जितने भी ट्रांजेक्शन है उनका सेटलमेंट होता है, जैसे खरीदना बेचना है ना, जैसे खरीदा मैंने शेयर्स खरीदे, डी बच्चा डीमटेरियलाइजेशन समझते हैं जल्दी आप बेटा, तो डीमैट अकाउंट भी समझते होंगे, डीमैट अकाउंट एक अकाउंट होता है जिसमें शेयर्स क्या होते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हमारे शेयर्स होते हैं, होता है क्या आपके दो अकाउंट होते हैं, आपका एक बैंक अकाउंट होता है जिसे हम सेविंग अकाउंट बोलते हैं, दूसरा अकाउंट आपको खुलाना पड़ता है डीमैट अकाउंट ठीक है। अब ये डीमैट अकाउंट में क्या होता है, शेयर्स रखे रहते हैं नलायक यहां रहे ठीक है, डीमैट अकाउंट में क्या रखा रहता है बेटा शेयर्स रखे, और सेविंग अकाउंट में पैसे ठीक है। तो जब तू बेचने वाला है तो डीमैट अकाउंट में शेयर्स आएंगे कि आपके सेविंग अकाउंट में पैसे आएंगे, हाँ अभी वो बताएगा ना। हाँ तो भाई क्या हुआ, मैंने बेचा तो किसमें क्या आएगा बता, हाँ वॉलेट में आते हैं पैसे है ना, वो ना सेविंग अकाउंट से ना अटैच होता है, वही सेविंग अकाउंट होता है जो वॉलेट होता है, समझा ध्यान दे इधर। हाँ हाँ गाइडलाइन क्या बोलती है कि सानिध्य के सीधे वॉलेट में, सीधा है ना वॉलेट में आ जाएंगे, हाँ तो वो वॉलेट जो है उसमें पैसे रखे हैं, कहाँ से गए हैं वो पैसे, छुमंतर करके आ गए हैं, बैंक का ही तो पैसा रखा है ना, कि कैश दिया तूने अपने मोबाइल को नलायक। चलो सेविंग अकाउंट होता है और क्या होता है बच्चा डीमैट अकाउंट, वही नलायक। चलो शेयर्स आपने बेचे तो बच्चा डीमैट अकाउंट से शेयर्स जाएंगे ना और यहां आपके पैसे आएंगे, समझ में आ रहे, या फिर आपने खरीदे, दोनों हो सकता है ना, बाय किया, अगर आपने खरीदा तो डीमैट में क्या होगा आएगा और सेविंग अकाउंट से जाएगा, ये तो समझ में आता है ना। चेक किया, यहां इन्होंने बस ये बोला है कि ये जो ट्रांजेक्शन्स है पैसे आने जाना यही सेटलमेंट कहलाता है ठीक है। दी फैसिलिटेट द सेटलमेंट ऑफ द ट्रांजेक्शन इन अकॉर्डिंग विद द प्री डिटरमाइंड टाइम शेड्यूल्स होते हैं ठीक है। तो टी प्लस टू कंसेप्ट होता है, टी मतलब जिस दिन ट्रांजेक्शन, दो दिन का टाइम होता है जिसमें पूरा सेटलमेंट होता है। तो अभी आपने टी प्लस टू पढ़ा है, ऐसे टी प्लस थ्री फोर फाइव कुछ कुछ ड्यूरेशंस होते हैं ठीक है। लेकिन हाँ शेयर्स खरीदने बेचने का कंसेप्ट क्या होता है, टी प्लस टू का होता है, लेकिन हाँ और भी बहुत सारी चीजें होती है डिटेलिंग में पढ़ेंगे। तो ये बस कह रहे हैं कि पहले से ही क्या होते हैं प्री डिटरमाइन, क्या होते हैं टाइम शेड्यूल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपका ट्रांजेक्शन होगा। ये फंक्शन है किसका, फंक्शन है कैपिटल मार्केट का। तो अगर मैं सिक्योरिटी मार्केट फाइनेंशियल मार्केट की बात करूं, हमने पढ़ा था ना फाइनेंशियल मार्केट का फंक्शन, तो अभी हम किसके पढ़ रहे हैं कैपिटल मार्केट, तो फाइनेंशियल मार्केट का ही पार्ट है ना, तो ऑलमोस्ट काम भी क्या होंगे सेम ही होंगे, क्योंकि वो उसी का ही काम तो बता रहा था ठीक। अब इन्होंने बोला कि चलो समझते हैं सिक्योरिटी मार्केट वापस, सबसे पहले फाइनेंशियल सिस्टम
वापस, पहला फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम में तीन चीजें थी, पहला फाइनेंशियल मार्केट, देन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बोलो या फिर फाइनेंशियल पार्टिसिपेंट बोलो, नेक्स्ट फाइनेंशियल प्रोडक्ट बोलो या फिर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, क्लियर है। अब इन्होंने बोला फाइनेंशियल मार्केट मैंने समझा दिया, इसमें मनी समझ लिया, कैपिटल समझ लिया, कैपिटल के बाद क्या आता था, दो सिक्योरिटी और अदर, हम क्या पढ़ने वाले हैं सिक्योरिटी, तो अभी आपको सिक्योरिटी मार्केट समझा रहे, ठीक है। सिक्योरिटी मार्केट एक जगह है जहां पे कंपनीज क्या करती है, फंड को रेज करती है, पैसा उठाती है भाई, बाय इशूइंग सिक्योरिटी, इक्विटी, डेट, डेरिवेटिव, म्यूचुअल फंड। अब देखो ये सारे टर्म्स हैं, हम इक्विटी शेयर्स जानते हैं, डेट सिक्योरिटी से मतलब डिबेंचर से है, ठीक है। डेरिवेटिव टर्म्स एकदम आपके लिए नया है, समझाऊंगी, म्यूचुअल फंड सुना है अब समझेंगे भी, ठीक है, एडवर्टीजमेंट में देखते रहते हो ना म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, तो समझेंगे एक्सेट्रा। इन्होंने कहा कि ये अलग अलग तरीके हैं, जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया, अगर आपको पैसे चाहिए तो भैया अलग अलग तरीके, दोस्त से ले लो, रिश्तेदार से ले लो, पेरेंट्स से ले लो, जिससे लेना ले लो। सेम कंपनी का भी यही है कि भाई अलग अलग तरीके हैं, कंपनी को जो तरीका यूज करना है। अब बींग अ सीएस आपको क्या काम करना है, बींग अ सीएस अगर आपका डायरेक्टर, डायरेक्टर के साथ आप बैठोगे मीटिंग करोगे, डायरेक्टर बोलता है हमें मार्केट से पैसा उठाना है, तो आप उन्हें सजेस्ट करोगे कि भैया हमारी कंपनी के लिए इक्विटी ठीक है या फिर हमारी कंपनी के लिए डिबेंचर ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर डिबेंचर ठीक है तो बच्चा क्यों ठीक है वो लॉजिक के साथ बताओगे और प्लस उसके टर्म्स एंड कंडीशन बताओगे कि भैया डिबेंचर जब आप इशू करोगे तो उसकी क्या क्या फॉर्मेलिटीज रहेंगी, इसलिए सारी चीजें आप बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ते हो, क्लियर है बच्चा। तो पैसे उठाने के अलग अलग तरीके हैं, तो ये सब तरीके हैं पढ़ेंगे, टू द इन्वेस्टर पब्लिक। ये पूरी बातें उन्होंने जनरल सेंस में करी है, इसको भी लिखो रीडिंग, शॉर्ट में समझा दिया, रीड करके वही मिलेगा, बस उनकी लैंग्वेज और स्टैंडर्डाइज होगी, बात समझ में आ रही है। अब सिक्योरिटी मार्केट के क्या है फंक्शन, फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शन पढ़े, फिर किसके पढ़े, कैपिटल मार्केट के, फिर क्या है सिक्योरिटी मार्केट, तो क्या फंक्शन बहुत अलग होंगे क्या, सब एक दूसरे के ही बता रहे थे। फाइनेंशियल मार्केट बोलता है भैया सिक्योरिटी और कैपिटल मार्केट मेरे तो अंदर आता है, मैं इसकी बातें बोलूं, ठीक है, तो सब एक दूसरे की ही बातें बता रहे। सिक्योरिटी मार्केट अलाउ करता है लोगों को, पीपल को, टू मोर विद देयर सेविंग, हमने वहां पे भी तो पढ़ा था, फाइनेंशियल मार्केट में भी सेविंग पढ़ा, यहाँ पे भी मोबिलाइज सेविंग, ठीक है। दे वुड अदरवाइज कुड इट ऑल्सो प्रोवाइड दी फाइनेंसिंग पीपल टू डू मोर देयर आइडियाज एंड टैलेंट, दे वुड अदरवाइज बी पॉसिबल, द पीपल सेविंग आर मैच विद द बेस्ट आइडियाज टैलेंट। जनरल बातें लिखी बच्चा, समझ में आ रहा है ना, जनरल जनरल बातें कि भाई आइडियाज है, नए आइडियाज लेकिन पैसा नहीं है। टाटा कंपनी कह रही भैया हाँ आइडिया तो बहुत अच्छा गया लेकिन पैसा, तो पैसा चलो मार्केट से उठा लेते हैं, जिनके पास पैसा ज्यादा रखा है वो हमें दे देंगे, तो ये भी जनरल जनरल बात है। सिक्योरिटी मार्केट इज अ लिंक, यहाँ शॉर्ट में उन्होंने बताया सिक्योरिटी मार्केट एक लिंक है किसके बीच में, इन्वेस्टमेंट और सेविंग के। मोबिलाइज करता है और क्या करता है, चैनलाइज करता है सेविंग, सेम बातें कर रहा है। प्रोवाइड करता है क्या, लिक्विडिटी, सेम बातें। ये एक मार्केट प्लेस है जहां पे खरीदा बेचा जाता है, सब रिपीट है, मतलब सबके फंक्शन सेम है, ठीक है, पूरा पूरा सेम। ये है इंपॉर्टेंट जहां से आप पढ़ेंगे, टू इंटरडिपेंडेंट या फिर इनसेपरेबल सेगमेंट। सबसे पहले बताओ ये इंटरडिपेंडेंट मतलब क्या, एक दूसरे पे डिपेंड है, या फिर दूसरे लैंग्वेज में बोलू इनसेपरेबल मतलब जिसे सेपरेट नहीं किया जा सकता, जिनको अलग नहीं किया जा सकता। प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट दो अलग अलग चीज तो है लेकिन वो साथ ही काम करेंगे, ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अब प्राइमरी मार्केट कौन सा मार्केट होता है, पहले डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट में पढ़ लेते फिर सब समझ में आ जाएगा। आओ पहला मीनिंग क्या लिखा है, मीनिंग फ्रेश है, टाटा को चाहिए पैसे, टाटा ने आईपीओ निकाला, आपने लिया, तो भैया टाटा क्या है, कंपनी, कंपनी ने फ्रेश इशू निकाला, अब शेयर सर्टिफिकेट आपके पास है डीमैट अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, आपको पैसे की जरूरत पड़ी, कुछ इमरजेंसी हुआ तो आपने दूसरे इन्वेस्टर को भेज दिया, तो ये क्या कहलाता है, ट्रेडिंग ऑलरेडी, पहली बार आपको मिल चुका है ना, अब मार्केट में वो ट्रेड कर रहा है, तो सेकेंडरी मार्केट ऑलरेडी ट्रेड करता है और ये एकदम क्या होता है फ्रेश, कंपनी से मिलाना तो प्राइमरी, एक दूसरे से इधर उधर पलटा रहे ना तो सेकेंडरी। ऑब्जेक्टिव क्या है, यहां कंपनी को पैसे की जरूरत थी इसलिए फंड रेज किया, यहां क्या बोला कैपिटल एप्रिसिएशन, भाई आपको पैसे वैसे की जरूरत नहीं कह रहे, यहाँ पर आपको पैसे की जरूरत, वो तो एक्सेप्शनल केस है ना कि इमरजेंसी हॉस्पिटल में लगा तो हमने बेच दिया, प्रॉपर्टी है, लेकिन आपका मेन पर्पस क्या था इन्वेस्टमेंट करने का, कुछ रिटर्न, कुछ वैल्यू एडिशन, तो कैपिटल एप्रिशिएट होना, वैल्यू एड ऑन होना, ठीक है। कंपनी को पैसा चाहिए और ये कह रहे हैं कि हमें पैसा कमाना है, एड ऑन करना है,
स्कोप की बात करेंगे, यहाँ न्यू सिक्योरिटीज आती है, ठीक है, आईपीओ। न्यू सिक्योरिटी को हम क्या बोलते हैं? आईपीओ। बच्चों एक आईपीओ होता है और एक एफपीओ होता है, बोलो। हाँ, आईपीओ का मतलब क्या होता है? फर्स्ट टाइम कंपनी लेकर आती है। टाटा कंपनी को फिर से पैसे की जरूरत पड़ गई, क्या बोलेंगे? टाटा कंपनी को तीसरी बार जरूरत पड़ गई, चौथी बार जरूरत पड़ गई, 10वीं बार जरूरत पड़ गई, तो हर कोई फर्दर में आता है, ये बात याद रखना, ठीक है। अब हम कंफ्यूज हो जाएंगे, दीदी ये क्या लिखा है फर्दर ट्रेडिंग? इसका फर्दर मतलब एफपीओ नहीं है, इसका फर्दर मतलब एफपीओ नहीं है। फर्दर मतलब जो इंग्लिश वाला फर्दर होता है ना, कि एक बार आपको मिल गया, फर्दर आपने किसी और को भेज दिया, बात समझ में आ रहा है? तो प्लीज कंफ्यूज मत होना, ये क्या एफपीओ बोल रहा है, क्या ये वाला एफपीओ बोल रहा है? नहीं, आईपीओ मतलब फर्स्ट टाइम कंपनी को जरूरत पड़ी, एफपीओ मतलब सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, जब भी पड़ा, ठीक है। तो एफपीओ फर्दर पब्लिक ऑफर है, फर्दर पब्लिक ऑफर एफपीओ। क्या ये एफपीओ लिखा है? देखो फर्दर पब्लिक ऑफर लिखा है, क्या लैंग्वेज रीड करो, फर्दर ट्रेडिंग कह रहा है, तो ये फर्दर ट्रेडिंग कह रहा है, कंफ्यूज मत होना। फर्दर ट्रेडिंग मतलब कि एक बार आपको दिया, आप फर्दर किसी और को देते जा रहे हो, एफपीओ नहीं लिखा है, ठीक है। इंक्लूड द फर्दर ट्रेडिंग ऑफ द सिक्योरिटी ऑलरेडी ऑफर टू द पब्लिक। चलिए ये समझ में आ गया। अनदर नेम, या तो न्यू इश्यू मार्केट बोलो, या तो क्या बोलो? आईपीओ मार्केट बोलो, ये क्या बोल रहा है? आफ्टर इश्यू मार्केट बोलो, या फिर ये गलती से इन्होंने एफपीओ बोला है, इनका मतलब फर्दर ट्रेडिंग से है। कट करो और लिखो फर्दर ट्रेडिंग मार्केट है वो, समझ में आ रहा है बच्चों? एफपीओ से आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि एफपीओ का फुल फॉर्म क्या है? फर्दर पब्लिक ऑफर। जबकि फर्दर पब्लिक ऑफर, आईपीओ, एफपीओ किस में आता है? प्राइमरी में आता है, सेकेंडरी में फर्दर ट्रेडिंग की बात हो रही है, तो यहां फर्दर ट्रेडिंग लिखो, ठीक है। परचेजिंग सिक्योरिटी, यहां बोला है भैया एक तरफ इन्वेस्टर है और दूसरी तरफ कंपनी, कंपनी डायरेक्ट दे रही है ना इन्वेस्टर को, ये क्या बोल रहा है भाई? परचेज सेल इन्वेस्टर्स लिखा है, एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर से, ठीक है। फाइनेंसिंग की बात हो रही है, प्राइमरी मार्केट प्रोवाइड द फंड टू न्यू और ओल्ड कंपनी। न्यू कंपनी क्यों बोला? क्योंकि अभी नई नई है, फर्स्ट टाइम मांगा, मांगती ही रहती है, तो ओल्ड कंपनी हो गई, ये नई कंपनी ओल्ड कंपनी दोनों के लिए। और ये क्या बोल रहा है? नॉट प्रोवाइड फंडिंग टू कंपनी, ये कंपनी को कुछ नहीं हो रहा लेना देना, ये तो सेकंड हैंड मार्केट है इन्वेस्टर्स का, कि भाई अपने शेयर्स को बेचो, तो कंपनी से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये पैसा कंपनी को मिल रहा है, आपको मिलता है। पार्टीज टू सिक्योरिटी, कंपनी इन्वेस्टर, इन्वेस्टर्स आपस में देमसेल्फ, ठीक है। मेजर इंटरमीडियरीज कौन है? सबसे पहले इंटरमीडियरीज वर्ड का मतलब बताओ, बिचौली, ब्रोकर। यार ब्रोकर तो इन्होंने भी यूज किया है, दल्ले, है ना? चलो गुड, वेरी गुड, बताओ दल्ले किसे बोलेंगे? ब्रोकर को बोलेंगे, इंटरमीडियरीज को बोलेंगे, अंडरराइटर को? देखो वो हिंदी वर्ड है, वो क्या किसको बोलते हैं उसमें मत जाओ, यहां की मीनिंग में आ जाओ, ठीक है। अंडरराइटर आपने सुना समझा तो है, 12th अकाउंट्स में कौन होता है अंडरराइटर? जो कंपनी के शेयर्स बिकवाने में मदद करता है, अंडर, वेरी गुड, है ना? 100 करोड़ की जरूरत है कंपनी को, अंडरराइटर बोलता है टेंशन मत लो, हम बैठे हैं, हम संभाल लेंगे, 90% अगर आएगा तो आगे कंटिन्यू इश्यू करेंगे, अदरवाइज रिफंड करते हैं। 90% नहीं हुआ तो हमने अंडरराइटर के साथ बैठ के अग्रीमेंट कर लिया, भाई अंडरराइटर बड़ा डर लग रहा है, 90 भी आएंगे कि नहीं आएंगे पता नहीं, तो अंडरराइटर हेल्प करवाता है, खुद भी लाता है, 1% तक वो खुद भी लाता है, पहले वो बिकवाने में हेल्प करेगा, नहीं होगा तो वो खुद भी करेगा, ठीक है। तो अंडरराइटर समझ में आ गया। ब्रोकर, वो ब्रोकर है जिसके पास जाके डीमैट अकाउंट खुलवा रहे हो तुम लोग। मैंने अभी आपको क्या बताया? डीमैट अकाउंट खोला ना आपने, ये सारे जो ग्रो ऐप, ये सारे जो भी फलाना ढिमकाना इतने सारे नाम सुनते हो, ठीक है, ये सब ब्रोकर कहलाते हैं, ये आपसे कमीशन लेते हैं, ये आपसे क्या लेते हैं? कमीशन, ठीक है। अब आपने देखा होगा फीस तो जीरो है, दूसरे तरीके से कमाते हैं वो, बहुत सारे तरीके हैं उनके पास, ठीक है। तो ब्रोकर एक तरीके से बीच के वो लोग हैं, हाँ हाँ बिचौलिया जो वर्ड बोलना है बोलो, आपने आपने बोला हमें टाटा डीमैट अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स, आपने बोला भैया हमें टाटा के शेयर्स खरीदने हैं, ऐसे बोलते नहीं, ऐसे क्लिक करते हो फोन पे, तो बच्चा वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, क्योंकि उसके पीछे पूरा एक ऑटोमेटिक सिस्टम लगा है,
ठीक है। तो ये सारा काम आपका किसके थ्रू हो रहा है, ब्रोकर के थ्रू। उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ये ब्रोकर कोई रिस्क नहीं ले रहा है आपके लिए, अंडरराइटर क्या कर रहा है, रिस्क लेता है। किसके लिए रिस्क लेता है, कंपनी के लिए। क्या बोल रहा है भैया, कंपनी शेयर दो तुम इश्यू करो, नहीं हो पाएगा तो मैं बैठा हूं। ब्रोकर क्या कह रहा है, मैं कहीं नहीं हूं, तुम्हारा एक एक काम करने के मैं पैसे लेता हूं, दैट्स इट, मुझे कमीशन चाहिए। अंडरराइटर भी कमीशन लेता है, ब्रोकर भी कमीशन लेता है, लेकिन वो रिस्क बहुत ले रहा है तो कमीशन भी यहाँ बहुत ज्यादा। यहाँ तो बस खरीदना बेचने का काम कर रहा है वो आपका, ठीक है। हाँ तो कम कमीशन होगा कंपेरिजन। हाँ इंटरमीडियरीज है, इसलिए उन्होंने लिखा है कि इंटरमीडियरीज, लेकिन इनके काम में डिफरेंस है, काम में डिफरेंस है, ठीक है। हाँ नालायक। प्राइस गिवन इन दी ऑफर डॉक्यूमेंट, ऑफर डॉक्यूमेंट एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें शेयर की प्राइस लिखी होती है, ठीक है। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस समझाऊंगी, अगर पता है तो वेरी गुड आएगा। चलो कुछ बच्चों को पता है, कुछ को नहीं पता है, जिनको नहीं पता है आएगा टर्म, समझाऊंगी अभी समझो। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कुछ नहीं, ऑफर डॉक्यूमेंट है। ऑफर डॉक्यूमेंट क्या है, एक पेपर, ठीक है, जिसमें सारी कंपनी के बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखी है। हमारी कंपनी का शेयर 1000 रुपए का है, हमारी कंपनी को इतने साल का एक्सपीरियंस है, ये है वो प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस बोलो, ठीक है। प्राइस यहाँ स्टॉक मार्केट है बच्चा, अप डाउन। अभी अगर मैं बोलूंगी, अभी आपने IRCTC का देखा था, थोड़ी देर में देखो थोड़ा इधर उधर अप डाउन होता रहता है, फ्लैक्चुएट होता है। यहाँ उन्होंने बोला प्राइस फिक्स है, ऑफर डॉक्यूमेंट लिखी, कंपनी बोल रहा है भैया हमें 100 रुपए के हिसाब से दे दो, इतना खत्म, हम थोड़ी ना बार बार फ्लैक्चुएट करेंगे। फ्लैक्चुएट कहाँ होता है, स्टॉक मार्केट में होता है। यूटिलाइजेशन ऑफ दी फंड, फंड गेन फ्रॉम दी प्राइमरी मार्केट बिकम दी कैपिटल ऑफ दी कंपनी, बैलेंस शीट में आ जाता है, ये कंपनी का कैपिटल है, ठीक है। ये पैसा किसको मिलता है, इन शॉर्ट कंपनी को, और ये पैसा किसको मिलता है, इन्वेस्टर को। हमारे पॉकेट में जाएगा ना भाई, कंपनी से मैंने 10,000 में खरीदा था, स्टॉक मार्केट में 50,000 में बेचा, तो भैया 40,000 का मुनाफा मेरे पॉकेट में, तो इन्वेस्टर्स को यहाँ पे पैसा मिलता है, और यहाँ पे पैसा किसको मिलता है, कंपनी को। क्या डिफरेंस समझ पाए, अगर डिफरेंस समझ में आ गया है तो बच्चा इन्होंने पूरी कहानी पहले बोरिंग तरीके से जो आपको बताई वो ये बताई है, सेम बातें बताई है। प्राइमरी मार्केट को इन्होंने यहां बताया है, ठीक है, डिटेल डिटेल, फिर सेकेंडरी, और पूरा यहां बताया, तो ये आराम से आप रीड कर सकते हो, तो ये भी करेंगे हम रीड, भेज दूंगी, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर है बच्चा, पक्का। अब यहां मैं आपको रोकूंगी, सिक्योरिटी मार्केट का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नेक्स्ट क्लास में और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। क्लैरिटी है यहां तक, पक्का।